सरहद पर चीन और भारत में तनाव के बीच भूटान भी चर्चा में है। जिस डोकलाम सीमा पर विवाद है वे भूटान और चीन के बीच है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि भारत अपने हितों को साधने के लिए भूटान का इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भूटान की सीमा चौकी पर भारत ने बेवजह आकर टांग अड़ाई है। चीन के इस सरकारी अखबार ने लिखा है, अतीत में चीन और भूटान सीमा पर कई घटनाएं हुई हैं। सभी का समाधान रॉयल भूटान आर्मी और चीनी आर्मी के बीच होता रहा है। इसमें कभी भारतीय सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ी है। अखबार ने आगे लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भूटान में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी है और भूटानी आर्मी को भारत ट्रेनिंग और फंड मुहैया कराता है। भारत ऐसा भूटान की सुरक्षा के लिए नहीं करता है, बल्कि ऐसा वह अपनी सुरक्षा के लिए करता है। यह भारत का चीन के खिलाफ सामरिक योजना के तहत है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी ने ट्वीट कर कहा है, चीन अग्रिम रूप से अपनी योजना तैयार कर रहा है। 1948 में माओ ने इसी तरह तिब्बत को अपने कब्जे में लिया था। क्या वर्तमान तनाव भूटान को दूसरा तिब्बत बनाने का हिस्सा है? अपने अगले ट्वीट में चारी ने लिखा है, चीन पीओके के जरिए सीपीसी को अंजाम दे रहा है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री को यरूशलम और वेस्ट बैंक क्यों नहीं जाना चाहिए? इतिहास बदल रहा है, इसलिए इसका असर भूगोल पर भी पड़ेगा। हालांकि डोकलाम पर चीन और भारत के बीच तनाव को लेकर भूटानी मीडिया उस तरह से आक्रामक नहीं है। दूसरी तरफ चीनी और भारतीय मीडिया में इस तनाव पर आक्रामकता आसानी से महसूस किया जा सकता है। भूटान के सरकारी अखबार क्यूनसेल ने डोकलाम के पास चीन द्वारा सड़क बनाए जाने पर चिंता जाहिर की है। इस भूटानी अखबार ने लिखा है, भूटान और चीन के बीच जिन चार इलाकों को लेकर विवाद है उनमें डोकलाम एक है। 29 जून को भूटान के विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा था कि उसे यथास्थिति का पालन करना चाहिए। भूटान ने कहा था कि चीन डोकलाम के पास कोई निर्माण करता है तो यह दोनों देशों के बीच सीमा समझौते का उल्लंघन होगा। एक और भूटानी अखबार ने फेसबुक पर अपने संपादक की टिप्पणी पोस्ट की है, पहले रॉयल भूटान आर्मी ने चीन के सड़क निर्माण को रोकने की कोशिश की, लेकिन चीनी टीम ने इसमें सहयोग करने से इनकार कर दिया। इसके तत्काल बाद इस इलाके में भारतीय सैनिक आए और सड़क निर्माण को रोका गया। इसके बाद चीनी सेना ने प्रतिक्रिया में भारतीय सैनिकों की छोटी चौकियों को नष्ट कर दिया। एक और अखबार बिजनेस भूटान ने लिखा है, भारतीय और भूटानी आर्मी के साथ तीन हफ्तों से जारी गतिरोध के बावजूद चीनी आर्मी डोकलाम के पास निर्माण सामग्री पहुंचाने में लगी हुई है। दोनों देशों के बीच जारी विवाद को लेकर भारत की पूर्व विदेश सचिव और चीन में भारत की राजदूत रही निरुपमा राव ने भी ट्विटर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने लिखा है, डोकलाम का विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन चीन यहां सड़क निर्माण जानबूझकर कर रहा है ताकि भारत और भूटान की तरफ से प्रतिक्रिया आए।